पोल के पश्चात हमें सीआरसी करने के बाद मशीन को अनिवार्यतः है स्विच ऑफ कर देना है। हम इसके बाद मशीन को वास्तविक मतदान के लिए तैयार करेंगे। इसके लिए हम रिजल्ट सेक्शन के जो स्लिट विंडो है इसको ओपन करेंगे और हरी पत्र मुद्रा जो कि इस प्रकार होती है इससे इसके स्लिट सेक्शन में इसको उल्टी तरीके से ए भाग ऊपर करते हुए इस प्रकार से अंदर डालेंगे कि हमारा हरा भाग ऊपर रहे तथा पिंक भाग नीचे रहे। इसके बाद इसको दबाकर हम इसको बंद कर देंगे, फिर क्लोज बटन को कवर करते हुए इस प्रकार रखेंगे। स्पेशल टैग के नंबर तथा इस पर हम एजेंटों की साइन कर देंगे और यहाँ पर इसको बांधते हुए इसे सील कर देंगे। स्पेशल टैग लगाने के बाद हम इस ढक्कन को इस प्रकार बंद कर देंगे। इसके पश्चात हम ये जो ए वाला सिरा है इसे इस प्रकार से स्टिकर निकालते हुए दबा देंगे, चिपका देंगे। फिर बी सिरे को इसके ऊपर इस प्रकार चिपकाएंगे कि नंबर हमें ऊपर की ओर दिखाई दे। इस हरी पत्र मुद्रा में हम एजेंट के हस्ताक्षर करा लेंगे। इसके पश्चात हम बाजू में एड्रेस टैग लगाकर इसे सील चपड़ा की सहायता से सील कर देंगे। सीयू के एड्रेस टैग में हम सभी एंट्री करते हुए जैसे विधानसभा का नाम, सीयू का नंबर, मतदान केंद्र का नाम क्रमांक और तारीख डालते हुए सील और चपड़ा की सहायता से इसे सील कर देंगे। इस प्रकार हमारी सीयू वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो गई। हम अब वीवीपैट को सील करेंगे। वीवीपैट को सील करने के पूर्व हम एजेंटों को यह दिखा देंगे कि ये ड्रॉप बॉक्स पूरी तरीके से खाली है। इसके पश्चात इसकी ये विंडो को बंद करते हुए हम इसे एड्रेस टैग की सहायता से सील करेंगे। वीवीपैट के दोनों छिद्रों में हम धागों को पेरते हुए एड्रेस टैग की समस्त एंट्रियों को कंप्लीट करने के बाद हम इसे सील और चपड़े की सहायता से पैक कर देंगे। हमारा वीवीपैट अब वास्तविक मतदान के लिए तैयार है। वीवीपैट के सीलिंग के बाद हम वीवीपैट के केबल को सीयू से जोड़ देंगे। इसके बाद हम वीवीपैट के नॉब को ट्रांसपोर्टिंग मोड से वर्किंग मोड में लाएंगे। यह काम हमें 7 बजे के पहले पूर्व कर लेना है। ठीक 7 बजे हम सीयू का बटन ऑन करके वास्तविक मतदान को प्रारंभ कर देंगे। अंतिम मतदाता यदि 6 बजे के पूर्व वोट डाल चुका है तब हम ठीक 6 बजे, या फिर अंतिम मतदाता यदि 6 बजे के बाद ही वोट डाल रहा है तो अंतिम मतदाता की वोट डालने के पश्चात हम क्लोज के बटन के ऊपर की कैप हटाते हुए क्लोज के बटन को दबाकर मतदान को समाप्त करेंगे। हम वीवीपैट के पीछे के नॉब को अब हम वर्किंग पोजीशन से वापस ट्रांसपोर्टिंग मोड में ले आएंगे। इसके बाद हम सीयू का बटन ऑफ करेंगे और केबल को यहां से निकाल देंगे। कार हम वीवीपैट के केबल को निकालने के पश्चात हम वीवीपैट की बैटरी को निकाल के इसे बाहर रखेंगे और तीनों हमारी बीयू, सीयू और वीवीपैट को कैरिंग बॉक्स में सील कर देंगे।